आज देश का मुसलमान किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, आपने देखा सड़क के जरिए संसद तक आवाज पहुंचने का काम किया। मोहन भागवत कौन है? उन्होंने नारा लगाया था काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का 2024 में पूर्ण रूप से सफाया है। ये जो लोग लोकतंत्र के मंदिर में तमाम ऐसे अभद्र टिप्पणियां करते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई ये सरकार नहीं करती और कहती है मुस्लिम के हितैषी हैं। सुनिए, हमारी सरकार ने कर्नाटक में कहा आरएसएस बैन होगा, के राजस्थान में भी बैन होगा, पूरे देश में आरएसएस जैसे ऐसे नफरती हिंदू सेना, महाकाल सेना, ऐसे संगठनों को हम बैन करेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमान भी हमारे हैं। देखिए, ये केवल दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जिस तरीके से देश के मुसलमानों को चिन्हित करके और इनके तमाम उन सांसद ने संसद में गाली दी, संसद में एक सांसद रो रहा था, बिलख रहा था लोकतंत्र के मंदिर में, और उन्हीं के सांसद ऐसे ऐसे तालियों से उद्बोधन कर रहे थे। क्या वाकई में इस देश में लोकतंत्र में जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, क्या भारतीय जनता पार्टी देश की जनता के हितों के लिए बात करती है? आप बताइए, आज देश का मुसलमान किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, आपने देखा सड़क के जरिए संसद तक आवाज पहुंचने का काम किया। मोहन भागवत कौन है? ये वही आरएसएस के लोग हैं, वही नफरती हैं जो इस देश में तमाम ऐसे विभिन्न समुदाय के लोगों को इन्होंने प्रभावित करने का काम किया है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार 2024 में अपनी सत्ता पाना चाहती है। ये किसी भी समाज की हितैषी नहीं है। ये समाज के नाम पे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक व्यापार करने का काम करते हैं। ऐसे व्यापारियों को 2024 में सत्ता से बेदखल किया जाएगा। सबका डीएनए एक है, हिंदू मुस्लिम सबका डीएनए। भैया, उनके नेता कौन है जो डीएनए चेक करते हैं इससे पहले? अब क्या मोहन भागवत को हम नहीं दिखाई दे रहा उसमें समुदाय? आज बताइए, आरएसएस की शाखा में क्या ज्ञान मिलता है? आपको पता है क्या ज्ञान मिलता है? ये जो हिंदू हितैषी सरकार है, ये हिंदुओं के नाम पे सबसे ज्यादा देश की सत्ता में हिंदुओं को प्रभावित करने का काम किया है, मुसलमानों को प्रभावित करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम ऐसे वायदे किए थे, उनके वायदों के जरिए क्या इस देश की जनता को विकास के पथ पर ले जाने का काम किया? ये सरकार विकास के पथ पे किसी भी जनता को नहीं पहुंचाने का काम किया। आज देश में रोजगार नहीं है, लेकिन आज मोहन भागवत की आप बात करेंगे, रोजगार का सवाल नहीं पूछेंगे। देश में शिक्षा के साल वो कह रहे सबके पुरखे एक ही थे। अरे भैया, सबके पुरखे एक ही थे तो क्यों आप ढिंढोरा पीटते हो कि मैं हिंदूवादी हूं? आप लिखते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। स्मृति ईरानी का भी प्रयास है उसमें, है? स्मृति ईरानी का प्रयास नहीं दिखता है इस देश के विकास में? ये वही विकासकाली है, ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि। भारतीय जनता पार्टी का 2024 में पूर्ण रूप से सफाया है। ये जो लोग लोकतंत्र के मंदिर में तमाम ऐसे अभद्र टिप्पणियां करते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई ये सरकार नहीं करती और कहती है मुस्लिम के हितैषी हैं। ये सरकार मुस्लिम की हितैषी है? ये सरकार मुस्लिम की हितैषी नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की हितैषी है। ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल करना, ये देश की जनता ने ठाना है, भाजपा को भगाना है, एक नई लोकतांत्रिक सरकार को इस देश में लाना है। अरे भैया, आप बताइए, ये वही लोग हैं? वो कौन लोग थे जो जंतर मंतर पे उन्होंने नारा लगाया था काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे? उनको शायद जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला गया, उनके ऊपर एनएसए नहीं लगाया गया, लेकिन एक विशेष समुदाय के लोग, अगर आज देश का मुसलमान निर्दोष है तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। बताइए, रमेश बिदोली के ऊपर एनएसए नहीं लगना चाहिए? कैसे पत्रकार है ये? मोदी अरविंद के सब पत्रकार है इस देश में, सिर्फ और सिर्फ। अरे बता दी गई भैया कौन? आप बताइए, क्या देश के प्रधानमंत्री ने इस देश में महंगाई खत्म करने का काम किया? क्या देश में जिस तरीके से आज बदहाली है, क्या देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को सम्मान देने का काम किया? खुशहाली है कौन? अरे भैया, देश बदहाल है, मोदी जी खुशहाल हैं, उनके मंत्री खुशहाल हैं। ये सरकार केवल और केवल पूंजीपतियों की सरकार है, कोई खुशहाल नहीं है। शायद आपके यहाँ मोदी जी का पर्चा आता होगा, बागेश्वर का पर्चा आता होगा, वही खोल के आ जाते हैं। क्या पूछना मोदी जी से? सवाल नहीं करने जाएंगे, लेकिन हम लोग मोदी जी बीजेपी के स्लीपर सेल लगते हैं। अरे भैया, भाजपा के स्लीपर सेल तो नहीं है? तुम्हारे ऊपर भी एनएसए चलवाना चाहिए। तुम लोग जैसे लोग नफरती इस देश की मीडिया को इस स्तर पे लाके खड़ा कर दिया आपने कि आज देश की जनता आप जैसे लोगों को भी विश्वास नहीं कर रही। भाजपा का नाम लेते ही तिलमिला जाते हो। क्या भाजपा देश है? भाजपा देश है? बताइए, भारतीय जनता पार्टी देश है? नरेंद्र मोदी देश है? नरेंद्र मोदी भगवान है?
नरेंद्र मोदी भगवान है, दिव्य पुरुष है, दिव्य पुरुष। हाँ। ये आपके आपके मुंह से सुना हुआ एक नया आया है, अभी तक यशस्वी थे तेजस्वी से, अब आप दिव्य पुरुष ले आए। भैया ये पता ना कल को मूर्ति भी घर में लगवा लेंगे, आप भी ले जाइए मोदी जी की मूर्ति लगवा लीजिए। आज जो प्रधानमंत्री G20 में हबीबियों से मिले थे, आज मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के, वो जो कटिंग है ना क्लिप की, जो इनके सांसद के द्वारा तमाम ऐसे शब्दों का उद्बोधन किया गया एक विशेष समुदाय को टारगेट करके, मोदी जी अपने हबीबियों को भेजिए तो पता चल जाएगा, थरथरा जाएंगे। हाँ, थरथरा नहीं जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री हबीबी से तो गले मिलते हैं और देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। हाँ, नफरत फैला रहे हैं, सबको साथ में लेके चल रहे हैं। हाँ, नफरत आप उठाइए ना इंडेक्स। हाँ। नहीं उठा रहे हैं आप, आपको पता नहीं है इस देश में जिस तरीके से एक समुदाय को चिन्हित करके उनके रेड़ी ठेड़ी पटरी ऐसे ऐसे लोग, ये कौन है संघ के लोग, RSS नारंगी संघी बजरंगी कौन है बताइए। इन लोगों ने जिस तरीके से, आपने हरिद्वार देखा होगा हिमाचल में, ये लोग कहते हैं आप लोग भाग जाइए देश छोड़ के, रहे इस देश के मिट्टी में हर उस मुसलमान हिंदू का योगदान है। अशफाकुल्ला खान ने अपने देश की आजादी के लिए फांसी को फंदे को चूमा था, क्या देश के प्रधानमंत्री और इन कच्चाधारियों ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया था बताइए। अब्दुल कलाम आजाद कौन थे प्रधानमंत्री जी से पूछिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको लाके वहां पे सत्ता पे बैठाने का काम किया था, ऐसे ऐसे समुदाय को। लेकिन कुछ लोग हैं अंधभक्त आप जैसे, वो कहेंगे इस देश का मुसलमान पंचर तो भागवत जी कह रहे हैं। अरे फिर अरे भैया मोहन भागवत पूरा नाम लीजिए, अब आप श्रीमद भागवत का नाम मत लीजिए, मोहन भागवत नाम है, देखिए भागवत जी हैं क्या मतलब से, उनको रामायण में उसमें श्रीमद भागवत उनको कहने लगी है कल से। ये लोग यही हैं, ये सिर्फ नफरत के सौदागर हैं, और इस देश में अगर कोई प्यार का पैगाम लेके जा रहा है तो ये देश में एक ही नेता है, राहुल गांधी है, जो चाहे किसानों से मिलने की बात हो, किसानों की आवाज उठाने की बात हो, चाहे महिलाओं की आवाज उठाने की बात हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण बिल लाने का तो काम किया, लेकिन अपनी ही परिवार की अपनी ही बीवी को न्याय नहीं देने का काम किया, ऐसा प्रधानमंत्री होगा? समझ नहीं है ना राहुल गांधी, इतनी समझ नहीं। जो भी बता रहे हैं नफरत खोर बता रहे हैं, लेकिन यही RSS जब भी जो भी हिंदुवादी संगठन है ये सारे आपके दौर में पनपे हैं, अगर इतने बुरे हैं तो आपने पहले कार्य देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम समझते थे कि उस दौर में कि शायद RSS जो संगठन है ये वाकई में, जबकि हमारे तमाम ऐसे संगठन चल रहे थे उस समय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ऐसे पता थोड़ी था कि इनके जैसे संगठन के लोग इस देश में अपना एजेंडा तैयार करेंगे। जब 5 साल में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी, 5 साल पूरे इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सरकार चलाई, लेकिन 5 साल के बाद इन्होंने जिस तरीके से इस शाखा के जरिए पूरे देश में नफरत फैलाने का काम किया, वाकई में इससे अब देश की जनता को खतरा है। आपने देखा होगा हमारी सरकार ने, हमारी सुनिए, हमारी सरकार ने कर्नाटक में कहा RSS बैन होगा, लेकिन राजस्थान में देखिए, राजस्थान में भी बैन होगा 2000। अभी जो चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी का, देखिए कांग्रेस की सरकार है, बिल्कुल हम पूर्ण रूप से पूरे देश में RSS जैसे ऐसे नफरती हिंदू सेना महाकाल सेना ऐसे संगठनों को हम बैन करेंगे। कांग्रेस कभी नफरत का उद्यम भाई हिंदू विरोधी, क्या सनातन पता है क्या है सनातन, ये सुनिए नहीं हिंदू करने की बात करेंगे, देखिए आपको हिंदू विरोधी कहा जाएगा। हम क्या वो हैं बताइए, हिंदू नहीं हम दिखाई दे रहे हैं आपको, कांग्रेस के साथ नहीं खड़े, हिंदू विरोधी क्या होता है, हिंदू विरोधी ये मतलब हिंदू की विचारधारा, हिंदू की विचारधारा में क्या कहीं किसी के प्रति हिंदू मोहन भागवत के साथ है, आए? असली हिंदू आए भैया, हम हिंदू नहीं हैं, हम तालिबानी हैं, तालिबान से आए हैं हम, बताइए हमारे तालिबान से हैं तो बात जब हिंदुओं को, अरे बताइए ये लोग हिंदू के नाम पे व्यापार कर रहे हैं, हिंदू धर्म कोई नहीं है, सनातन है, एक पद्धति है, उस पद्धति को जानना और समझना जरूरी है, ईश्वर ही आत्मा है लेकिन मृत्यु हुई आत्मा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये अपना आत्मा क्या बनाई है, वोट बैंक का आत्मा, ये वोट बैंक के लिए जब इनको सत्ता में आना होगा तब ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू बन जाएंगे। आज आपने देखा होगा रमेश बिदुड़ी हिंदू अब नहीं रहा है, ट्विटर पे आप ट्रेंडिंग देख रहे हैं, रमेश बिदुड़ी अब हिंदू नहीं है, अब वो विभिन्न OBC समाज से आ गए हैं, क्योंकि इस देश में अगर राजस्थान में चुनाव है, राजस्थान का विधानसभा चुनाव उसको प्रभावित करना है, ये सत्ता में आने के लिए ऐसे ऐसे एजेंडे लाती है, और BJP की प्रयोगशाला में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत फैलाया जाता है। मैं कहता हूं आप बताइए, जो लोग कहते हैं मैं दलितों का मसीहा हूं, आदिवासियों को मैंने सत्ता में बैठाने का काम किया, क्या उन आदिवासियों को देश के प्रधानमंत्री ने एक नए संसद भवन के उद्घाटन में बुलाने का काम किया?
नहीं किया। आज लोगों को जरूरत है एक साथ होके और एकजुट होके इस देश में लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी है। जो लोकतंत्र का प्रहरी है वो इस देश के जनता के साथ खड़ा है, और जो लोकतंत्र का प्रहरी नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की रोटियां सेकने के लिए खड़ा है। मैं कहता हूं दानिश अली को न्याय मिलना चाहिए और इस देश में एक 2024 में एक नई लोकतांत्रिक सरकार आनी चाहिए। विपक्षी दल जितने भी है कहां तक दानिश अली जी के साथ है, क्योंकि जो घटना हुई सदन में आज से पहले इस तरह का कृत्य नहीं हुआ। क्या लग रहा विपक्ष दल उनके साथ है और कितना साथ देगा, क्योंकि अभी तक उनको एक तरह से लग रहा है कि वो खाली बैठे हुए हैं, उनके साथ कोई नहीं है। क्यों आपको विपक्ष राहुल गांधी जी नहीं दिखाई दे रहे हैं? हैं, दूरबीन लगाए हुए हैं? राहुल गांधी जी क्या हैं, मोदी जी की सत्ता में बैठे हुए हैं? हैं, बताइए बताइए, क्यों चुप हो गए? नहीं बताएंगे आप? देखिए तो सुनिए सुनिए सुनिए, राहुल गांधी क्या है बताइए। विपक्ष गाली दिया जा रहा था तो कांग्रेस के सांसद वहां पे क्या कर रहे थे? मैं वही देखिए, सभी सांसद वहां मौजूद थे। मैं सभी सांसद, चाहे मुस्लिम समुदाय के हो चाहे सभी समुदाय के हो, मैं उन सभी सांसदों के कहता हूं कि जो लोग हैं ऐसे, जो लोग आवाज के जरिए वहाँ कहीं में सबको समर्थन करना चाहिए। ऐसी जो विभिन्नता फैलाते हैं ना, ये विपक्ष के लोग हैं। इंडिया लाइंस क्या है? इंडिया लाइंस कांग्रेस के, कांग्रेस ने सबको एक साथ ले चलने का वादा किया है। घमंडिया गठबंधन, अरे घमंडिया गठबंधन ये आप लोगों को लड़ता होता, वहाँ कहीं में इस देश में एक न्याय का वो गठन है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इंडिया से डरी हुई है। पहले इनको इंडिया से बहुत प्यार था, पहले ये कहते थे मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, आगे जाएगा इंडिया। अरे भैया मोदी जी 9 साल तो अभी हिंदू राष्ट्र बनाए नहीं, हिंदुस्तान क्यों नहीं रख पाए, भारत क्यों रखना पड़ा? डर तो है कहीं ना कहीं, ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। ऐसी सरकार जो कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र पे हथौड़ा मारने का काम कर रही है। मैं इस तिलक की सौगंध खाता हूँ, इस देश में मैं प्रत्येक उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ जो न्याय की आवाज उठाता है, और हम इंडिया अलायंस हमेशा न्याय के प्रहरी रहे हैं, और हम हमेशा उस न्याय की मोदी जी क्या मोदी जी आपको किताब दिए हैं? कौन सी किताब दी है पढ़ने के लिए? अरे भैया इस देश में आएंगे नहीं, जाएंगे तो मोदी जी। अब की बार देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा फरेबी है। ऐसा देश का प्रधानमंत्री आजादी के 75 साल में कोई नहीं हुआ। इनका बहिष्कार अब की देश की जनता पड़ेगी। और देश का सबसे बड़ी भूल थी जो कमल का फूल लोगों ने सत्ता पे बैठाया। कमल का फूल देश की सोच नहीं हो सकती, ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारी है। ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।